तुलस तीर्थराज प्रयाग की जय। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ हम लोग हरे कृष्ण। हम लोग श्री गुरु जी गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ये धाम परिक्रमा करते करते अभी जहाँ आए हैं, ये मंदिर है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इन्होंने 64 जैसे भक्ति का अंग है, भक्ति का अंग 64 अंग है। उन्होंने पूरा भारत में 64 मठ भी उन्होंने स्थापन किया है। कभी 64 मठों में कभी ये मठ का नाम, ये मठ भी उसमें अन्यतम है। इसलिए ये मठ का नाम रूप गौरी मठ, श्री रूप गौरी मठ उन्होंने नाम रखा है। हाँ, ये रूप गोस्वामी का नाम पर है कैसे ये। और ये जो स्थान है, अभी हम प्रसाद पा करके जाएंगे दर्शन करने के लिए, तीर्थराज प्रयाग है। जितने सारे तीर्थ है, हाँ जितने सारे तीर्थ हम जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, द्वारावती, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने तीर्थ हम जाते हैं सारे तीर्थ में राजा कौन है? ये प्रयाग, सर्वश्रेष्ठ प्रयाग बताया गया। भले इसका क्या कारण है, ये तीर्थराज क्यों बताया गया है? कहते एक कारण है, जैसे गंगा स्नान करने के लिए जाओ कितने दूर जाना पड़ेगा, फिर यमुना स्नान करने जाओ कितने दूर जाना पड़ेगा, कहीं सरस्वती स्नान करने जाओ कितने दूर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो तीनों नदी है वो एक साथ में दर्शन करने को मिलेगा। हाँ, गंगा इधर से आ रही है, यमुना इधर से जा रही हैं, और यमुना का जो नीचे है वो सरस्वती विद्यमान, गुप्त रूप में सरस्वती है। इसलिए ये स्थान की बहुत महत्व है। और यहाँ पर जो गंगा है, आपको पता गंगा कितने पवित्र है? गंगा कौन है? मतलब गंगा ये भगवान का चरणामृत है। जिस समय भगवान वामन देव का एक चरण, हाँ, भूर भूव मोह जन तप सत्यलोक में पहुंचा, वहां पर ब्रह्मा जी उनको भगवान का चरण को उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक करके उन्होंने जो अपना कमंडल में वो पानी को रखा है। हाँ, इसलिए कहते गंगा कौन है? कहते भगवान का चरणामृत। कहते गंगा कौन है? कहते भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए, भगवान अपना स्वरूप को चार जगह पर छोड़ कर गए जगत जगत में। बोले कहाँ कहाँ पर है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ तो। तुलसी, भागवत और गोवर्धन, और विराज, सब फैल हो गए। इसलिए तीन तीन तो ठीक बताया। इसलिए एक गंगा है। कहते ये गंगा, कहते भगवान के अधिष्ठान क्यों? कहते भगवान का चरणामृत है। चरणामृत भगवान की, भगवान का चरणामृत और भगवान एक ही है। इसलिए भगवान जाते समय इसी जगत में चार स्थान में भगवान का अधिष्ठान, एक गंगा में, दूसरे है तुलसी में, तीसरे है भागवत में, चौथा है कौन बोले? शुद्ध भक्त है, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है। इसलिए भगवान की जो एक जो भगवान का निवास है, कहती गंगा में भगवान की सख्यात निवास, भगवान गंगा में। इसलिए गंगा की बहुत महत्व, अभी कथा सुनेंगे क्यों इतने महत्व हमारे। गुरुवे गौरचंद्रनाय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। अंडर गाइडेंस ऑफ गुरुदेव एंड श्रीमद् भक्तिदास श्रीधर महाराज द प्लेस वी हैव कम दिस कॉल्ड प्रयाग। सो एज इट इज नोन दैट प्रयाग इज कॉल्ड तीर्थराज। तीर्थराज मीन्स इज द किंग ऑफ ऑल द होली वाटर्स इन द वर्ल्ड, ऑल द होली प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया देर आर मेनी होली प्लेसेस विच आर स्कैटर्ड। पुष्कर इज देयर, गंगा सागर इज देयर, देन कावेरी, so many rivers, Ganga, Jamuna, Narmada, Sindhu, Kaveri, so many rivers are there, but among Rameshwar is there, Shirangam is there, but among all these places, Tirupati is there, all the holy places in this world, the king of all these holy places is Prayag. Because if you want to take bath in Ganga, then you'll have to travel so much. If you have to take bath in Jamuna, you'll have to go to Vrindavan or some place. Delhi, Agra. If you want to take bath in Saraswati, you have to go to Badrikashram.
So these three rivers, but there is a confluence of all these three rivers here, Ganga, Jamuna, Saraswati. And very easily we can bathe in this confluence here and you get the benefit of visiting all the holy places in this world. So therefore, we understand the importance of Ganga. The Ganga is what? Ganga is the Padudaka of Vishnu. When Bali Maharaj had conquered all the three planetary systems, that time to regain the kingdom of the heaven and give it back to Indra, Lord Vamandev came by the prayers of Aditi and Kashyap. And Lord Vamandev, in one foot, he traversed all the earth. And then other foot, other step, he raised his foot so much, he came as a dwarf. But then he became Trivikram, and his height became so high. His foot was so high in the sky that it made a hole in the outer layer of the Brahmanda. And then the water of the Karan Samudra Viraja River, it came down from outside inside. Then our Lord Brahma, he took that water and stored in his Kamandalu water pot. That same Ganga, then it was released by the prayers of Bhagirath. It flows in the upper planetary system as Mandakini. In the middle planetary system, it is known as Bhagirathi, and lower planetary system, it is known as Bhogavati. So this Ganga, which purifies all the three planetary system, is also flowing here. So Maharaj is telling that where we find Lord Krishna, then we can find Lord Krishna very easily in Ganga water. He is present in Bhagavad, he is also present in Tulsi, and he is also present in the pure devotee. So these four things, for example, if you want to install a deity, then deity installation is a very rigorous process. Here you see the deity installed by none less than Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. But you have to pray fervently to the Lord to manifest in the shape of the deity. Even Bhakti Pramod Puri Maharaj, when he used to install a deity, installed Rup Sanatana Gaudiya deity, he used to fast 5 days before, continuously, from water and food. Pray to the Lord, just come in the shape of the deity, come in the shape of the deity. But in this Ganga water, Bhagavan is nothing but, the Ganga is nothing but a liquefied form of Bhagavan. Bhagavatam, when Krishna Swadhamu Pagati, when Krishna returned back to Golok Vrindavan, where did Dharma stay? In Bhagavatam. Understand, Bhagavatam is the Vangmai Murti, the literary manifestation of Sri Krishna. Also in the heart of pure devotee, Bhagavan is always present, Tomar Rodaya Sada, Govinda Vishram, Govinda Kahinama Bhagata Pran. Because all over the world, wherever Krishna goes, people make so many demands. Give me this, give me this, give me this. Krishna becomes tired. And he very, very goes to take rest, he goes in the heart of a pure devotee to take rest. Because they don't demand anything from the Lord. And Tulsi is actually nothing but Bhagavan himself in the shape of a plant. Tulsi is not a plant, but Krishna himself has become Tulsi so that we can get the benefit. So here, very easily we can take Achman. Ganga is so powerful that Ganga Gangeti Yo Bhuryat Yo Jananam Shatarapi Muchyate Sarva Papebhyo Vishnu Lokam Sagachati. Goswamis are told that if you say Ganga, 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 you may be situated hundreds and thousands of miles away in Australia or in Russia. If you say Ganga, Ganga, Ganga 3 times, you become free from all the sins, and after you die, you'll go to Vishnu Loka, the planet of Lord Vishnu. That is the power of the Ganga. So very easily we are getting a chance to take Achman and deep in holy Ganga here. Isliye Ganga, the Ganga ko lana itna sahaj nahi tha. Bahut kasht se jab Sagar Maharaj ke 10,000 putra Kapil Muni ka abhishap se samapt ho gaye. हाँ, उसी समय कपिल मुनि को पूछे तो अगर गंगा को किसी तरह से ला सकते हो तब जाकर के उद्धार होने का कोई चांस है। हाँ, उसको पहले अंशुमान, उसको पहले उनका वंश में बड़े बड़े राजाओं ने कठोर तपस्या की गंगा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं कर पाए। लेकिन जब भगीरथ आया, उन्होंने बड़े कठोर तपस्या की, भले उनको क्यों संतुष्ट नहीं कर पाए और ये क्यों संतुष्ट कर लिया, भले अंशुमान और उनका दिल्ली, उन लोगों ने ये विषय भोग करके, संसार भोग करके फिर लास्ट उम्र में गए गंगा को संतुष्ट करने के लिए। ऑलरेडी सारे एनर्जी तो खत्म हो गया था, कुछ तो है तब तो देंगे, मन तो संसार करते करते सारे एनर्जी समाप्त, लेकिन भगीरथ का क्यों संतुष्ट हो गए, भले शादी से पहले राज सिंहासन भोग करने से पहले, भले मेरे पूर्वज लोग दुख पा रहे हैं और मैं बैठी बैठी करके भोग करूँगा विषय को, पहले तो उद्धार करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बचपन से ही उन्होंने गए भजन करने के लिए, और बचपन में प्रहलाद महाराज कह रहे ना, भक्ति बचपन से करनी चाहिए, कौमार आचरित प्राज्ञ, जो बुद्धिमान बचपन से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उस समय सारे एनर्जी रहता है,
लेकिन संसार विषय भोग करते 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 जो सारे एनर्जी खत्म, रील फूल और कुछ है नहीं, उस समय ठाकुर को क्या दो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो थाना तो जो था सबको दे दिया, बीवी बच्चे दुनिया को दे दिया, अभी तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने इसलिए बचपन से उन्होंने गए भजन करने के लिए गंगा को उन्होंने संतुष्ट कर दिया, क्योंकि एक मन से मन कहीं गया ही नहीं, वो एक मन से भजन किया तो गंगा देवी को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। गंगा जी तो संतुष्ट हो गई, बोले तो मैं तो आऊँगी, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले दो समस्या में, बोले पहला समस्या है मैं जब आऊँगी मेरे बैग को कौन धारण करेगा, मेरे बैग साधारण नहीं, बड़े कठोर बैग है। दूसरी है सब पापी लोग स्नान करेंगे, फिर वो पाप को कौन ग्रहण करेगा। तो उन्होंने श्री भोले बाबा को पास में गए, शंकर जी को पास में गए, तो शंकर जी वो दो चीज को लेकर संतुष्ट हो गई। बोले अहो भाग्य है, हाँ मेरे तो अहो भाग्य है, स्वयं गंगा जो भगवान की चरणामृत उसे धारण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ एक तो सौभाग्य प्राप्त मिलेगा, दूसरी है बोले जब इसी जगत में गंगा आएगी पापी लोग स्नान करेंगे। बोले बड़े बड़े संत लोग भी तो है, बड़े बड़े संत लोग तो इसी जगत में जन्म लेंगे, वो भी तो स्नान करेंगे। इसलिए वो जब स्नान करेंगे इसलिए भक्तों में इतने पवित्र है। बोले तीर्थ कुर्बन तीर्थानी संतोष तेन गदावृत, बोले ये गंगा से भी गंगा को भी पवित्र करने वाले संत लोग हैं। हाँ बोले गंगार परस हैले पश्चात बावन दर्शन पवित्र कर यही तो मार कर, कहते गंगा में स्नान करने का बात हम कहीं पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव का दर्शन करने मात्र, भक्तों का दर्शन मात्र पवित्र हो जाते हैं। बोले तीर्थों को फिर ये साधु लोग फिर गंगा में क्यों जाते हैं तीर्थ में, बोले गंगा में स्नान करने नहीं, बोले तीर्थों कुर्बत तीर्थानी जितने सब पापी आए जो पाप को छोड़ करके चले गए, संतों में इतने पवित्रता है केवल इनका चरण स्पर्श होते ही वो सारे पाप ग्रहण कर देते हैं और तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थों की महिमा बढ़ा देते हैं। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर को जब समुद्र में स्नान कराया, बोले हरि बोले समुद्र पहले तो तू केवल तीर्थ था, लेकिन ये हरिदास ठाकुर का स्पर्श से महातीर्थ तुम हो गया। देखो वो मरने का बाद शरीर छोड़ने का बाद शरीर छोड़ने का बाद अपवित्र होता है, लेकिन वो वैष्णव का शरीर इतने पवित्र है कद अभी तुमने महातीर्थ बन गया। हाँ इसलिए गंगा के जब बोले कोई चिंता मत करो, जैसे पापी स्नान करके वैष्णव भी आएंगे उनका भी स्पर्श मिलेगा, गंगा राजी हो गई। हाँ इसलिए उन्होंने गंगा को उन्होंने गंगा जब आई शंकर जी को गंगा को बोले शंकर जी राजी हो गए धारण करने के लिए। बोले शंकर जी मेरे तेज को धारण करेंगे, ऐसे तेज लाऊंगा पूरा शंकर जी को भी नीचे ले जाऊंगा। लेकिन शंकर कौन है, वैष्णवा नाम जथा शंभु, वो तो भगवान की परम भगत है ना। हाँ शंकर जी परम भक्त भगवान के, शंकर जी बोले कोई चिंता मत करो जितने सारे ताकत लेकर के आ जाओ हम धारण करेंगे। और गंगा तो कलकल नाद करते करते इतने तेजी से गंगा आई, शंकर जी त्रिशूल लेकर के एकदम अच्छे तरह से खड़े हो गए, और गंगा आई तो शंकर जी का जटा शंकर जी ना बड़ा फैलाया, गंगा आई तो आई जटा में ही समा गई। बोले भोले बाबा की, उन्होंने जटा में उन्होंने समा लिया, गंगा घूमते रह गई, निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। यही से धारण कर लिया, निकलने का रास्ता नहीं, भगीरथ ने देखा गंगा तो आ गई लेकिन गई कहाँ, शंकर जी की जटा में समा गई। फिर उन्होंने भोले बाबा को संतुष्ट की तपस्या करके, भोले बाबा बोले भगवान का चरणामृत थोड़ी देनी चाहिए, भगवान का चरणामृत को ग्रहण करनी चाहिए, देने का लायक थोड़ी चरणामृत है। बोले देखो इतना कष्ट करके क्या लाई हूँ, फिर आप पूरा से पूरा ले जाओ कैसे चलेगा, थोड़ी सी दे दो। फिर शंकर की जटा से थोड़ी सी निकाल करके दे दिया। फिर गंगा भगीरथ लेते लेते फिर जब नवद्वीप में आए, वहाँ पर जनु मुनि बैठे हुए थे, उन्होंने बोले भैया चरणामृत हो आ गया है, उन्होंने चरणामृत को फिर पी लिया। बोले गंगा आई तो फिर कहाँ चली गई, बोले यही तो था गंगा, आगे तो गंगा जा ही नहीं रही है। देखा उन्होंने पूरा के पूरा जनु मुनि ने पूरा पूरा पाप कर लिए, फिर उन्होंने जनु मुनि को उन्होंने प्रसन्न किया, फिर उन्होंने अपना जानू को फाड़ दिया। हाँ अपना जानू को गंगा को उन्होंने फाड़ दिया, फाड़ दिया तो वहाँ से गंगा निकली, निकली तो देखो गंगा में कितनी पवित्रता है, कितने हजार साल पहले
हाँ, उनको सगर महाराज के बच्चे सब शरीर छोड़ दिए थे, वहाँ पर हड्डी तक भी नहीं था, वहाँ पर राख तक भी कोई ना, सब इतना हजार साल थोड़ी कुछ रहेगा, लेकिन गंगा में इतने पवित्रता, जब वो रेती को ऊपर में केवल गंगा बहते हुए गई, मिट्टी को ऊपर में सबके सब उतार, समझो ये गंगा की कितने पवित्रता है, जो कि केवल मिट्टी में स्पर्श किया तो उनको पूर्वज उतार होंगे। इसलिए भगीरथ ने कितने कठोर तपस्या करके लाए और हम आसानी से मथुरा से आए और स्नान करके चले गए, हम कितना आसानी से मिल गया, वो कितना कष्ट करके लाए और हमें ये चीज आसानी से मिल जाएगी। तपस्या गंगा देवी की जय। सो वी आर हियरिंग द स्टोरी ऑफ किंग सगर। सगर वॉज अ किंग इन द सोलर डायनेस्टी। His name is Sagar, because when he was about to be born, his stepmother had poisoned, but he was born safely by the mercy of Bhagwan. Gar means poison, born with the poison, Sagar. So the Sagar had 60,000 sons, and he was doing Ashwamedh sacrifice. In Ashwamedh sacrifice, the horse is released, whichever territory he will go, that territory you have to conquer. So one time, when they were, the horse was passing through different places, and Indra became scared that if he does 100 Ashwamedh sacrifices, this was his 99th, then he will become the next Indra. So therefore Indra kidnapped the horse, the sacrificial horse of Ashwamedh sacrifice, and tied it outside the Kapil Muni's ashram. So the 6,000 sons of Sagar king, they went to Kapil and they began to chastise him. Hey, you stole our horse. So Kapil did not do anything. But if you offend a pure Vaishnava, then by that offense itself, they are burned down to ashes. So then Sagar was worried that what will happen to my sons who have become ashes due to the offending a Vaishnava. So it was decided that only way is to bring down the Ganga from the celestial sky. That will only deliver my sons. But then his descendants like Dilip and Anshuman, they all tried to bring the Ganga. They did austerities, but Ganga would not come down. But when Bhagirath did the austerities, Maharaj is telling that Ganga came down. Why Ganga came down? Because Ganga, Bhagirath, he started from early age. From very young age, he started engaging in austerities. While his forefathers, Dilip and Anshuman, they were trying very late. After they have finished their family life, whatever remaining strength was there, they applied for bringing down the Ganga. But Bhagirath followed the principle of Prahlad Maharaj. Kaumaram acharit pragya dharman bhagavataniya durlabham manusham janma tad abhi adruvam ardhadam. That this human life is very temporary, but one must try to engage in austerity from the age of 5. Because Kaumara means age of 5. Kaumar, Pauganda and Kaishur. So when you are 5 years old, you should try to engage our child in devotional service. Otherwise it may be too late. You see that's why in India there was a Gurukul system. What is Gurukul system? The child is admitted into the Gurukul. As soon as he is born, when he is 5 or 6 years old, his guru will take care of him, give him the teachings of bhakti. In our math also, you will see all the great devotees who are there, Tirtha Maharaj, Premanand Prabhu, Madhav Maharaj, Band Maharaj, Yushidhar Maharaj. They all come very early age. When I was 30. So they came early. So earlier the better, understand. That is an impressionable age. For example, you have one plant, small plant, you can uproot it and plant somewhere else. But if it has become a very huge tree, like 30 or 40 year old tree, you cannot cut it and uproot it and plant it somewhere else. It means that you cannot teach old dog new tricks, understand. So Prahlad from early age started doing devotional service and started praying to Bhagwan. So then by praying to Bhagwan, to Ganga river, so then by the mercy of Vishnu, Ganga became pleased and said, I will certainly come down because your austerities are very intense. But my force is tremendous. Who will carry that force on the head? Because so much impetus, it will hit the earth. That time Bhagirath asked, who will be able to carry it? So maybe you can try Lord Shiva. So he prayed to Lord Shiva. And Lord Shiva said, no problem, I will hold the Ganga on my head. It is my pleasure. Many people say that Lord Shiva is the superior than Lord Vishnu. So Jiva Goswami says, no,
Lord Shiva is not superior to Vishnu. If Lord Shiva is superior to Lord Vishnu, then why is holding the foot bath water of Vishnu on his head? So anyways, Ganga came with all the full force, but Lord Shiva extended his dreadlock so much that Ganga got lost in it. Ganga didn't even know how to come out. Then Bhagirath prayed that Ganga is lost, please give little Ganga to us. And Lord Shiva kept 99% of the Ganga just in his dreadlocks, released only 0.001%, and that is what is flowing in this earth. Understand? So that is, Lord Shiva takes the Charanamrita of Vishnu on his head and is giving rest to the whole world. Ganga in the beginning was reluctant to come to the earth. Why it was reluctant to come? Because many people in Kali Yuga, sinful people, they will bathe in the Ganges river and dump all the sinful activities in Ganga. Ganga will become contaminated. So that time, Ganga said, I don't want to come. But Bhagirath told that in Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu will come. And Chaitanya Mahaprabhu will preach Harinam Sankirtan everywhere. And he'll initiate hundreds and thousands of devotees in Harinam Sankirtan. So those devotees who are doing Nam Sankirtan of Krishna, they are so powerful that by the power of Nam Sankirtan, that if they will take deep in the Ganga, they will absorb all the sinful reactions and cleanse the Ganga. So Tirthi Kurvanti Tirthani Swantasthena Gadabhruta, that the holy places are purified by the pure devotees. Like our Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, because he carries Gadadhar, Sri Krishna in the hand. So when pure devotees will take bath in the Ganga river itself is completely purified. Understand? So then Ganga said, okay, I will come. Because you are promising me that devotees will take bath in my water. So then Ganga came. But when Ganga was flowing through Navadvip, especially Jannodip, there Jannum Rishi, he was doing austerities. So Jannum Rishi, then Ganga took away his Kamandalu book and everything, and whole Bhajan Kuti was washed away. So Jannu was in trance. When he woke up, he saw that everything is gone. Who has taken it away? Ganga has taken it away. Then he realized Ganga is also Charanamrit. The Charanamrit should be drunk. Because Ganga is Charanamrit. Akala Mrutya Haranam Sarva Vyadhi Vinashanam Vishnu Padvatakam Pitva Punar Janmana Vidyate. Untimely death is stopped by taking Ganga water. Sarva Vyadhi Vinashanam. This body is completely afflicted by so many diseases. Navadvaram shariram cha vyadigrastam nirantaram aushadho jannavi toyam vaidyo Narayana Hari. Lord Narayana is a doctor, he is the MD. And what is the medicine? Ganges water. Every day you take Charanamrut or Ganga water. So Jannamuni drank the entire Ganga again. Then Bhagirath said that my forefathers have become anxious. They are not in happy condition. They don't have proper destination. Please release Ganga. So Jannamuni said, if I release from my mouth, it is like spitting out, it will be contaminated. So he cut his right thigh and released Ganga from there. Why right thigh? Our daughter will sit on the right thigh, wife will sit on the left thigh. So he made Ganga his daughter. So since then, Ganga got another name, Jannavi. Understand? So that Ganga later on begat a son, Bhishmadev. And that Bhishmadev was the best Dvadash Mahajan, his name comes Bhishma. That Bhishma also learned bhakti, secrets of bhakti from Jannamuni in Jannudi. We go there every day, I mean Parikrama. So then Ganga went to Ganga Sagar, where Kapil Muni's ashram is there, and all the forefathers of Bhagirath, they were delivered by the touch of the Ganga. Ganga water is so powerful that any person, if he has, after death, his body is immersed in Ganga. If that is not possible, you take his bones and then you immerse in the Ganga. Ashes you immerse in the Ganga. That is also very powerful. So Ganga water is generally sprinkled on the head every time. So therefore, this Ganga has come to the earth. So Bhagirath Maharaj is telling that Bhagirath had to do so much hard effort to bring Ganga. But who's getting the benefit? Our Parikrama party is getting benefit. Very easily, without effortlessly, very nicely, we are going to take Achman and bath in Ganga and become purified. So Prayagraj Tirth ki jai, Ganga Devi ki jai. Jai. Jo Ganga hai, jab kitne pavitrata Ganga hai. Jab se man Mahaprabhu sanyas lekar ja rahe the, kahin Bhagwan ka naam kahin sunne ko nahi milta tha. कहीं हरी हरी नहीं, कहीं कृष्ण कृष्ण, कहीं राधे राधे, राम राम कहीं नहीं. लेकिन हठात महाप्रभु जब एक जगह में पहुंचे, देखा कुछ ग्वाल लोग हरी बोल हरी बोल हरी बोल कर रहे हो. महाप्रभु ने देखा भैया अभी तक तो कोई हरी बोल कोई बोल नहीं रहे थे. हठात एक व्यक्ति को मुंह में हरी बोल कैसे, भगवान का नाम कैसे आ रहा है. देखा इसका कारण क्या, जरूर कुछ कारण होगा.
देखा सही है, वो पास में गंगा बह रही, गंगा का हवा में इतने पवित्रता है, गंगा की केवल हवा अगर किसी शरीर में लग जाए तो स्थान अपने आप पवित्र कर देता है। देखा केवल गंगा के कारण से ही यहाँ पर व्यक्ति का हृदय शुद्ध है, वो भगवान का नाम को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए गंगा का स्पर्श से, हाँ, उनके स्नान से, दर्शन से, हर तरह से, गंगा का पानी से, हर तरह से ये गंगा जीवों के लिए पवित्रता है, जीवों को कल्याण करने वाली ये गंगा देवी है। इसलिए गुरुदेव दो कथा सुनाया था गंगा की महिमा में, गुरुदेव दो कथा सुनाते थे, बोले गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक समय गंगा किनारा में एक ये गर्त था, उसमें एक बिल था, जिस बिल में एक सांप था, उस सांप अपना मुंह पर से बाहर निकला था, इतने में गरुड़ जा रहा था, गरुड़ का आर सांप है, इतने में गरुड़ अपना पंजा मारे, मार करके सांप का सिर को पकड़े, जब खींचते हुए ले गए, इतने में जाते समय हथा उसी समय ये सब सांप का प्राण छूट गए, छूटते ही उसी समय उसका पूछ ये गंगा पानी में स्पर्श कर लिया, स्पर्श करते ही इतने पवित्रता गंगा पानी की, उसी समय सांप है छठ और चतुर्भुज विष्णु रूप धारण कर लिया, वो उसको गरुड़ खाएगा क्या, हाँ, उन्होंने देखा चतुर्भुज विष्णु रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज वैष्णव रूप धारण कर लिया, उसको खाएगा क्या, उसको फिर पीठ में बैठा कर उसको बैकुंठ ले जाएगा। केवल उसका पूछ उतरा गंगा में स्पर्श हो गया। तो गुरुदेव दूसरी कथा सुनाते थे, कोई एक जादूगर, जादूगर ने जो ओझा होता है ना, जो भूत भूत को मंत्र वगैरह छुड़ाते हैं, तांत्रिक जा रहा था, देखा हठात वहाँ पर रात में था, वो बैंड पार्टी बजा बज रही थी, वो साधी, हाँ, वो साधी का बैंड पार्टी बजा, बड़े उत्सव मना रहे थे, लेकिन वो तो तांत्रिक था, उसने एक भूत को बुलाया, बोले भैया क्या बात है आज तुम्हारा बड़ा पार्टी बन रहे, बोले क्या, बोले कल एक बेटी की शादी होगी, एक बेटी कुंवारी अवस्था में आई है, मर करके, मतलब शादी से पहले कुंवारी अवस्था में मरी, वो भी प्रेत बन कर आई थी, कल एक जवान लड़का मरने वाला है, भूत को पहले से पता चलता है, कल एक जवान लड़का मरने वाला, बोले कैसे मरेगा, बोले दो साढ़ में लड़ाई होगी, जो सड़क लड़ाई होगी किसी तरह से लड़ाई खत्म नहीं होगा, वो जवान लड़का वो लड़ाई को छुड़ा निकल जाएगा, दोनों साढ़ गुस्से में रहेंगे, उसको मारेंगे, मारते ही पेट फाड़ी फाड़ देंगे और वहीं पर मर जाएगा, जो मर जाएगा वो प्रेत बनेगा, अपमृत्यु हुई प्रेत बनेगा, इसलिए लड़की पहले से है, वो लड़का कल मर कर भूत बनेगा, इसलिए कल शादी होगा ना, इसलिए एक दिन पहले हम यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, इनको सारी बात पता, सचमुच से दूसरे दिन पता लगा, पूरा ठीक ऐसे हुआ, सार में लड़ाई और छुड़ाने के लिए गया, मर गया, वो देखने के लिए आए शादी हो रही कि नहीं, दूसरे दिन आकर देखा सब भूत बैठ कर रो रहे, बोले भैया क्यों रो रहे हो, बुलाया भूत को, बोले भैया रो रहे, बोले बहुत बड़ा अनहोनी हो गया, बोले क्या हो गया, आप देखना सार का सींग में जब खुजली मचती है ना, वो ऐसे ऐसे मिट्टी को कुतरते हैं, वो सार ने गंगा किनारा में वो सींग से उन्होंने मिट्टी को ऐसे कुतरा, लेकिन उसको सींग में गंगा का जो रज है धूल लगा हुआ था, जिस समय उसने वो व्यक्ति को मारा, मारते ही वो मृत्यु तो हुई, लेकिन गंगा का जो रज है वो स्पर्श होते ही वो प्रेतात्मा क्या बनेगा, सीधा बैकुंठ चला गया, इसलिए बोले बड़ा अनहोनी हो गया, उसका उद्धार हो गया, बेटी हमारा कुंवारी बेटी अभी कुंवारी की कुंवारी रहेगी, इसलिए हम बैठ करके हम रो रहे हैं। देखो ये गंगा का रज में इतने शक्ति, गुरु जी का रज में इतना शक्ति, वो स्पर्श होते ही भगवत प्राप्ति हो गई, बोले गंगा की इतनी पवित्रता। So Maharaj is telling that the Ganga is very, very pure. We went to Gomati Ganga and then we saw a dead body, dead cow, dead bull. We felt some, oh, it is impure like that. No, no. Gangam basana kalu budbuddha fena pankai. Brahma dravatma apagachyati nira dharmi. Rupa Goswami is telling that Ganga is the Brahma drava. Just like Vaishnavas, they are always pure. You should not see their bodily defects. Ganga also, we should not see any defects. If the Ganga water, if you take one bottle of Ganga water and one bottle of Australian river water, and after see that 1 year, you keep the water of Ganga, all the bacteria, viruses in the Ganga water will be finished. And after 1 year, you'll see that the water of Australian river, which was pure in the beginning, will develop billions and billions of bacteria. This experiment has been done. So Ganga water is antiseptic and prophylactic.
Understand? It purifies everything. So Maharaj is telling that Gurudev used to tell the glories of the Ganga water. What is the importance of Ganga water? One time in a hole on the bank of the Ganga, one snake used to live. So Garuda came. Garuda, as you know, is not vegetarian. He eats snakes, fish, because he delivers them. He does not eat them. He delivers them, send them to Vaikuntha. So Garuda came and he grabbed the snake. And the snake's tail touched the Ganges water. And then when the snake died, he developed forearm form, Shankha Chakra Gada Padma. And the snake actually climbed on the back of the Garuda and went to Vaikuntha. Just by touch of Ganga. So you can imagine that Gurudev says that India is such a glorious country. There are 7 rivers here. If anyone is dying, then you put 1 drop of that 7 rivers water in the mouth, any of the rivers water in the mouth, that person will go to Golok Vrindavan. No, no, that is also not required. If while dying, anyone is dying, someone in Moscow, London or Brisbane, that person will remember Ganga, Jamuna, Saraswati, Narmada, Sindhu, any of the rivers of India will go to Golok Vrindavan. That is the power of the rivers in India. So how holy are these rivers? So Gurudev tells another story that one time there was one mantrik, one particular mystic. So he, one time he saw a great celebration in the colony of ghost. So in the colony of ghosts, there was a big celebration. They were playing drums, dancing, singing. They were dressing opulently. Many sweets were being cooked. And as if a big pandal, festoons, balloons, everything was ready. So that mystic asked, what is the problem here? What is going on here? Why so much joy? Said, one ghost girl is going to get married. One ghost girl, she is actually became a ghost, unmarried girl, who had become a ghost after death. And then he asked, who will be the groom? So tomorrow there will be a bull fight. There is a mad bull and there is also one young man. They will fight with each other. And in that fight, instead of the young man able to tackle the bull will pierce his chest by his horn and kill that young man. So therefore, he will die accidentally and therefore he will become ghost. So he will marry the new ghost with the old ghost girl. Understand? So in that we are celebrating because our bridegroom is coming, So they all ghost, they went on the bank of the Ganga and there they, in that village, they went there and disguising themselves as human beings, they were all watching the fight. And then they saw that the bull came and bull was really raging, very angry. He took his horn and he just pierced the heart of this young boy. Young boy immediately fell down, dropped dead there. Dropped dead, and now they were happy that he'll become ghost. Another ghost will come out of his body, subtle body. But instead of his subtle body, transformed into forearm form, Shankha, Chakra, Gada, Padma, Garuda came, and all the Brahma, Shiva, they were doing arti to him, and he went to Golok Vrindavan, he went to Vaikuntha. They said, alas, alas, we lost our Jamai, we lost our bridegroom, big problem. Now who will marry this girl? They're all very depressed. So then they asked one sadhu, what is the problem here? Why it didn't become ghost? Why he became a resident of Vaikuntha? Then that sadhu told that these bulls, they always have itching sensation on their head. So whenever they have itching sensation, what they do? They rub their head and their horns against the sand. So some sand particle on the bank of the Ganga had got stuck to his horn, and that horn entered into the heart of that young boy. By the touch of that sand particle, he went to Vaikuntha. So three things are very, very important. You see that there is power in the water of the Ganga, there is power in the mrittika. Mrittika means the sand particles or dirt on the bank of Ganga. And not only that, even the breeze that is blowing over the Ganga or Jamuna, Dheera Ganda Vaha Ganda Janma Bandarandini, Mampunadu Sarvadara Vinda Bandu Nandini. Even the breeze that is blowing over Ganga is very, very purifying. So Maharaj told a story that when Mahaprabhu, he took sannyas in the ashram of Kesha Bharati. So that time he said, I want to follow the example of Avanti Brahman in the 11th canto. Etam samasthaya paratmanishtam, adhyasitam purva tamar maharshibi, ahantarami duranta param tamon mundagra nishevayeva. I want to now leave and go to Vrindavan. What should sannyasi do? He should come, take sannyas and stay in Rupsanathan Mat in Seva Kunj to Harinam, right? So Mahaprabhu said, I will go now to Vrindavan and I will chant Harinam there. But when he saw that no one in that area in Bengal was chanting Harinam. But one particular area, as he was walking towards Vrindavan,
he saw there are boys and doing so much naam sankirtan, hari bol hari bol, radha ramana hari bol, shri krishna chaitanya prabhu, like this they were chanting hari haraye nama, krishna yadavaye nama. Mahaprabhu said, what's the problem here? Why these boys are doing bhakti? No one else is doing bhakti. Then he asked those boys, how far is Ganga from here? They said, it's very close, 4 or 5 kilometers from here. This is the influence of the Ganga. Ganga water will create the bhakti unmukh pravritti in your heart. If your heart is completely averse to Ganga, if you just see Ganga, if you smell the breeze from the Ganga, or if you take Achman in Ganga, then immediately the propensity, the Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kamura, that will awaken in the heart and you start chanting Harinam. This is the power of the Ganga. Hare Krishna. कुछ कुछ लोग वैसे कहते हैं, मतलब गंगा में जब कोई व्यक्ति स्नान करने जाता है, एक साथ में 3 स्वरूप को प्राप्त होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब कैसे, जैसे गंगा में प्रवेश करते ही चरण लगता है गंगा में, मतलब भगवान का चरण से गंगा निकली, मतलब गंगा में चरण स्पर्श होते ही आपको विष्णु स्वरूप की प्राप्ति होगी। जब अंदर में जाओगे स्नान करके डुबकी लगाओगे, गंगा कहाँ पर रहती है? शंकर जी के सिर के ऊपर। जब डुबकी लगाओगे गंगा कहाँ जाएगी? सिर पर आ जाएगी। बोले शंकर जी का स्वरूप प्राप्त किए। पर जब स्नान करके किसी पात्र में पानी रख करके जब आओगे, बोले गंगा रहती है कहाँ पर? बोले ब्रह्मा जी के कमंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में। इसलिए क्या हो गया, ब्रह्मा विष्णु मैं स्वरूप अपने दान कर लिया है। बोले इतने पवित्रता है इसने, इसलिए गंगा की बड़ी महत्व, गंगा की, गंगा की बहुत कथा है गंगा की, हम बाद में सुनेंगे। फिर वहाँ पर यमुना है, यमुना कौन है? मतलब यमुना इसका जो मूल स्वरूप है वो विशाखा है, वो जो विशाखा है कहते उनको अनुराधा, राधा रानी की छोटी बहन, राधा रानी के सारे गुण उसके अंदर में विद्यमान है, इसलिए उसका एक स्वरूप है विशाखा है। विशाखा मतलब क्या, बी मतलब विशेष पूर्वक, शाखा मतलब ब्राज शाखा है, मतलब कृष्ण को भी अगर अगर राधा रानी को प्राप्त करना हो ना, उनको विशाखा का शरण लेना पड़ता है। अगर राधा जी को अगर कृष्ण पाना तो विशाखा का आश्रय लेना पड़ता है। इनके बगैर राधा जी से कृष्ण, कृष्ण कोई नहीं मिल सकते हैं ना। इसलिए कहते ये जब द्वारका में जाती है, मतलब कहते कृष्ण का पटरानी ये जमुना है, जमुना कृष्ण का पटरानी है ना। इसलिए जमुना है कौन? कहते जमुना कोई साधारण नदी नहीं, बोले ब्रह्म द्रव्य गात्रम, बोले ब्रह्म मतलब भगवान का जो प्रेम है वो स्वयं द्रवीभूत होकर के, वो प्रेम ही द्रवीभूत होकर के पानी रूप में बह रही है। ये जमुना नहीं, ये राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर के ये पहाड़ी रूप में बह रही है जमुना नदी। बोले जमुना आई कैसे, उसका कारण बताए। बोले किसी समय भगवान कृष्णा अपना राग को सुना, अपना भजन राग को सुना, राग सुनते ही कृष्ण का शरीर प्रेम से, कृष्ण का शरीर से पसीना निकली, हाँ प्रेम से, स्वेद जिसको अष्टांगी गीता में स्वेद होता है, प्रेम से शरीर से स्वेद निकला पसीना। पसीना जब निकली, मैया जसोदा कन्या को मोटे मोटे काजल लगा दी थी, अब ये पसीना मिल गई कहाँ? काजल में। क्या बन गई? काली बन गई। काली बन करके जब उनका हृदय को स्पर्श करते हुए, बहते बहते उनका चरण को स्पर्श करते हुए जब वो पानी रूप धारण करती है, ये कौन बन गई? ये जमुना। इसलिए जमुना काली काली है। बोले काली काली क्यों? इसका एक तो काजल में मिल गई, दूसरी कारण बताई, वो कृष्ण चिंता करते 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 जमुना काली बनी है, इसलिए जमुना नहीं, कभी साक्षात राधा कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत होकर के बह रही है ये जमुना नदी में। इसलिए बृहद भागवत अमृत में श्री सनातन गोस्वामी वहाँ पर जमुना की बड़ी महिमा कहते हैं, बड़ी महिमा जमुना को बताते हैं। बोले यमुना जो नदी है, कभी जम महाराज जी की बहनी है, हाँ, और सूर्य की ये बेटी है, सूर्य की बेटी है। इसलिए हम राखी पूर्णिमा होता है ना, राखी पूर्णिमा में भी बहन लोग भाई को हाथ में राखी बांधते हैं, उस समय भैया जो भैया को बहन जो कुछ मांगे भैया को देना पड़ता, इसलिए उन्होंने कभी पूछे, बोले बहनी बताओ आज तुम क्या चाहते, जो इच्छा दिल खोल कर मांगी। यमुना ने बोली अगर जम द्वितीया का दिन कार्तिक में आती, अगर भाई बहनी दोनों हाथ पकड़ करके अगर कोई यमुना में स्नान कर दो, यही वरदान दो, वो कभी जमपुर नहीं जाएंगे, वो सीधा भगवत धाम में जाएंगे। बोले ये वरदान दो, तो उन्होंने संतुष्ट होकर के उन्होंने ये वरदान दिया जमुना नदी को। इसलिए बृहद भागवत अमृत बताते हैं, अभी गंगा की कितना महिमा सुन, कितने महिमा, लेकिन इससे बराहदेव कह रहे हैं स्वयं, हाँ बराहदेव, बोले जो यमुना की गंगा की जितने महिमा हैं उससे 100 गुण महिमा ये जमुना की।
बोले यमुना में गंगा में स्नान करने पर जो मिलता है फल, बोले गंगा यमुना में केवल स्मरण करने पर वो फल प्राप्त होता है। ये यमुना नदी की इतने महिमा यमुना नदी की, इसलिए जिस समय आकबर का दरबार में जो यमुना किनारे में रहते हैं जो गंगा किनारे में रहते दोनों बड़े लड़ाई हुई है। जो यमुना किनारे में रहते हैं बोले यमुना श्रेष्ठ है, यमुना की महिमा दिखाया, जो गंगा किनारे में रहते हैं गंगा की महिमा दिखाए। अभी दोनों को महिमा बराबर है, इसमें कमी नहीं। बोले इसका श्रेष्ठ कौन स्थापन करेगा? बोले जैसे तैसे व्यक्ति स्थापन नहीं कर सकता है। बोले ये वृंदावन में एक जीव गोस्वामी है, उनको बुलाया जाए। जब जीव गोस्वामी को बुलाया गया तब श्री जीव गोस्वामी ने इतने सुंदर रूप में उनकी मीमांसा किया। उन्होंने बताया, बोले ये बताओ जो गंगा है कौन? बोले गंगा है भगवान की चरणामृत, ये गंगा है। हाँ, चरणामृत गंगा मतलब भगवान की दासी। बोले यमुना कौन है? बोले पटरानी है। बोले बताओ घर की दासी बड़ी होती है ना, घर की पटरानी बड़ी होती है। बस इसी बात से सबके सब समझ गए ये कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? सिर्फ यमुना महारानी श्रेष्ठ है। अब लोग सब वही से आए हो, इसलिए यमुना की, इसलिए यमुना की इतने महत्व। भगवान की पटरानी बहु रूप में, यमुना जी बहु रूप में भगवान की क्रीड़ा भूमि बनी है। हाँ, इसलिए क्रीड़ा भूमि बनी यमुना, इसलिए यमुना की तो इतने महिमा जिसका कोई था नहीं यमुना की। इसलिए गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होता है और यमुना से स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाती है। बोले पुण्य नष्ट हो जाती है। बोले हाँ, बोले पुण्य नष्ट मतलब क्या? कहते ये जगत का पुण्य भी बंधन का कारण है, इसी जगत का पाप भी बंधन का कारण है। जब तक आपकी पुण्य रहेगी तब तक आप ये भव सागर से निकल नहीं सकते हो, ये जन्म मृत्यु का चक्कर में आप भटकना पड़ेगा। इसलिए जब यमुना में स्नान करोगे जगत का पुण्य खत्म होगी, लेकिन भगवान की प्रेम, भगवत भक्ति प्रेम जीव को प्राप्त होगा। इसलिए अभी हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर गंगा यमुना पर सरस्वती की तो महिमा है ही है। इसलिए एक साथ में जहाँ पर तीनों नदी का जो संगम स्थली है वहाँ पर हम स्नान करेंगे। समझो इतने हम सौभाग्यवान हैं, इतने सौभाग्यवान जहाँ आज तीर्थराज प्रयाग में नहाने लगे। So, Maharaj is telling that we describe the glories of the Ganga so far. Now we are going to describe the glories of the Yamuna. So, what is Yamuna? Jayati Tarani Putri Dharma Raja Swasaya Kalayati Mathurayam Sakya Madhyati Ganga Murahara Daita Tat Pada Padma Prasrutam Vahadja Makarandam Nirapura Chalena. That the sun god has one son and one daughter. The son is actually Yamaraj and also his daughter is Yamuna. So sun god thought, I have begotten one son, Yamaraj, he is giving torment to all the living entities, he is really troubling all the living entities. So how to give relief to all the living entities? How to give relief to these living entities? So therefore he produced a very beautiful daughter. That daughter is Yamuna Maharani. So Yamuna, one time she told her brother, that, hey brother, why you torment the living entities so much? So please give them some relief. On Bhaiya Dooj day, means Diwali, day after Diwali, if any brother or sister, they will hold their hands and they will... Snan ka baat. Bhaiya Dooj, they will, Dvitiya day, they will hold their hands and they will enter the Yamuna water together and take deep in that, then you should forgive their sins and they will never go to hell. So therefore the Yamuna is actually very, very powerful. So Mahaprabhu Maharaj was telling that in Varaha Purana also it is explained that Ganga Shataguna Prukta, that this Keshi Ghat, the glories of the Keshi Ghat in Yamuna is that if you take Achmarin Keshi Ghat, it is 100 times more powerful than the Ganga. Because as we discussed that Gangara Parasha Hele Pashyati Pavana, you have to take bath in the Ganga, deep in Ganga, then you become purified. But Yamuna is so much powerful that Tira Ganda Vaha Ganda Janma Banda Randini, that if you just smell the breeze from far away of Yamuna, if you just stay in your Sevakuj and breeze is coming, that breeze is also very, very purifying. So Maharaj was telling that Ganga will destroy your sinful reactions. Because Ganga is Papa Nashini, Aganashini, she will destroy all the sins. But if you take deep in Yamuna, what will happen? Not only your sins will be removed, your pious merit will also be removed. So now someone says, why I will give up my pious merit? Pious merits are very difficult to earn.
I have to do so much charity, open so much, give so much water, food to the hungry, clothes to those who have no clothes, money to the poor. Then only I get pious merit. Then I am going to give it up in Jamuna if I take bath in Jamuna. Maharaj is telling that, as Raghunath Das Goswami said, na dharmam, na dharmam, shuddhikana niraktam kilakuru. Braje Radha Krishna Prachura Paricharyami Hatanu. If you engage in dharma, you will get pious merit. If you engage in adharma, irreligious activities, what will happen? You will get sinful activities. But sinful activities and pious activities, they are like shackles. And they will not let you go to Goloka Vrindavan. As long as you have even a trace of pious merit or impious merit, you will not go to Goloka Vrindavan. It is like shackle. In one leg, there is an iron shackle, and other leg, there is a golden shackle. But if they cut the iron shackle, still you cannot go to Golok because there's a golden shackle. And that golden shackle is the pious merit. So you must take bath in. Now we are doing bath in Ganga and Jamuna both. So today all our bank balance will be finished. No pious merit, no impious merit, and we'll be qualified to go to Golok Vrindavan. So Maharaj is telling that how Jamuna manifested. Drava Brahma Gatri. Drava Brahma Gatri. Liquefied Krishna. How one time Krishna was singing in Golok Vrindavan and hearing the sweet melody Krishna himself was singing, then Krishna developed Ashta Satvik Vikara. What is Ashta Satvik Vikara? Romancha, horripilation, kampa, trembling, and also sveda, perspiration. Perspiration is one of the Ashta Satvik Vikara. So Krishna body began to perspire and tears began to flow from his eyes, hearing his own melody. And those tears were mixed with the kajjal in the eyes of Krishna, collyrium in the eyes, mascara. And then that water became completely black in color. If you see, that color is of Jamuna is black. Even in Navadvip you see there are two sides. One side you'll see the eastern side, the river water is black. And you see on the western side, the river water is white. That is Ganga and Jamuna, you can discriminate. So the Jamuna, she is so glorious. One time Uddhava went back to Krishna, then Krishna asked, how is Jamuna? I left Vrindavan, but Jamuna's condition, can you please tell me? Then he told that, oh, the Jamuna was black in the beginning. Why? Because gopis are taking bath in the Jamuna. So on their chest, there is so much musk. Musk means kasturi. So that musk is black. So therefore, due to that, the Jamuna was black. But now Jamuna has become doubly black. Why? Because there is Jamuna, there is no water anymore. Only the tears of the gopis flowing from their both eyes is flowing in Jamuna. So it has become doubly black due to the collyrium in their eyes, kajjal in their eyes. So like that, so Jamuna has seen all the pastimes of meeting and separation. But Maharaj is telling, who Jamuna? What is the ontological position of Jamuna? So it is explained that Vishakorasya Vishnor Yasyam Nitya Jalatmani Nityam Nimajati Pritya Tam Saurim Yamunam Stumaha. Baldeva Devashan Pad is telling that Vishakha always, who sports on the chest of Krishna, she has become Jamuna. She is Jamuna. So what is the meaning of the word Vishakha? V means Vishesh Rupane Shakha. So she is actually the Kaya Viha Rupa of Radharani. But without her pleasure, without satisfying her, we cannot obtain the service of Radha Krishna. In fact, Radharani also derives topmost pleasure of meeting Krishna through the help of Vishakha and Lalita. So, and also in Dwarka, she has become Kalindi. Maharaj was telling a story of Kalindi, how she met Krishna. She was doing austerities for so many lifetimes of Brahma. When Arjun met her on the bank of Jamuna, he asked her, hey, who are you? You are effulgent lady. Although you are young, your body is very lean and thin and you are wearing white sari. What is that? You are engaged in such rigorous austerities. Who are you? She said, I am daughter of the sun god. I am Kalindi. What is your desire? Oh, I want to become a husband. I want to become wife of Krishna. Then Arjun, he recommended her name to Krishna. And Krishna immediately accepted her. See, she had done austerities for lakhs and lakhs of years. She could not marry Krishna. But when Arjun recommended her name, immediately Krishna accepted her. It means that we may do unlimited austerity, but unless there is a mercy of a pure devotee, we cannot get the lotus feet of Krishna. Understand? So therefore, one time there was a debate in the court of Akbar, that who's superior? And those who are residing in Mathura, they are telling Jamuna is far more superior. Those who are residing in Allahabad, they told that Ganga is superior. So which is superior? So debate came to Akbar. Akbar said, I cannot decide
But there is a very prominent personality living in Vrindavan. His name is Jiva Goswami Pad. He is Tattva Acharya, he is Rasa Acharya, he knows everything. So they called Jiva Goswami to Agra. Come to Agra and you please give the verdict whether Ganga is superior or Jamuna is superior. Jiva Goswami said, I cannot leave Vrindavan. I would want to stay in Vrindavan till the end of my life. They said, okay, daytime you come to Agra, give your verdict and you go and go back to Vrindavan the same night. You can stay in Vrindavan. So your vow is that you will not sleep outside Vrindavan. So you will go to Vrindavan back and sleep there. So they arranged horse carts. There was one horse cart ready. Then 20 miles that horse will take. Then they'll change the horse immediately and tie another horse. Another horse cart will be ready. Because one horse will become tired, taking him to Agra all the way. So there were many new horses and horse carts were ready. And he was quickly transported there. Then Jiva Goswami heard the arguments of Gangawalas, Jamunawalas. And then finally he told that, can you equate a queen with the maid servant? They said, no, queen is queen, maid servant is maid servant. What is Ganga? Ganga is nothing but the food, water of Lord Krishna. So she is like a maid servant. But Jamuna, she is the queen, Kalindi or Gopi like Vishakha. So she is the queen of Krishna. So Ganga, Jamuna is far more superior. So all the residents of Mathura, they began to clap. Very good, Jamuna is superior than Ganga. But then, Jiva Goswami Pad told that yes, but in Kali Yuga, about 100 years ago, Chaitanya Mahaprabhu came. When Chaitanya Mahaprabhu, he sported in the water of the Ganga. Jamuna, coming from Vrindavan, she meets her elder sister. So it is told, Sanatana Goswami has told that that this is Ganga Titirtha Parisevita Pada Padmam Goloka Saukharasa Puram Mahim Mahimna Apla Vitakala Sudhasa Sudham Jagasu Radha Mukunda Muritam Yamunam Namami. Ganga Titirtha Parisevita Pada Padmam. Who is the Ganga? Ganga is the elder sister. Jamuna is the younger sister. Among the elder sister and younger sister, who is more beautiful? Younger sister is always more beautiful. So Jamuna is more beautiful. But Jamuna, when she meets Ganga here, she tells at Prayag, hey elder sister, hey Didi, I am getting so much good fortune of seeing Krishna's pastimes. Then elder sister say, can you put a word to Krishna? Can you please tell him that he should also give me the same fortune? So younger sister, she prayed to Krishna, my elder sister is also hankering to see your pastimes. Then Krishna said, okay, I will satisfy your elder sister by sporting in her water in Navadvip. So Chaitanya Mahaprabhu performed all his pastimes, most of his pastimes in Ganga. So now Ganga has also become equal to Jamuna. In the beginning, Jamuna was more glorious. But now, because Chaitanya Mahaprabhu sported in the Ganga, in Navadvip Dham, both have become equal. So when Jiva Goswami gave this verdict, all were satisfied. Because he did not discriminate. He said, both are equal now. And everyone was clapping, and then Jiva Goswami came back. So we see that these are now the Saraswati is glorious, Maharaj said, and now time is there. And time is finished now, so we'll discuss Saraswati Guru later. यहीं पर 12 साल के बाद में एक बार यहाँ क्या होता है कुंभ मेला पड़ता है यहाँ पर जब गरुड़ ने जब अमृत लेकर के आए थे उन्होंने अमृत का कलश भी यहाँ पर रखे थे इसलिए जहाँ पर वो अमृत कलश रखे थे वहाँ पर 12 साल के बाद में एक बार कुंभ मेला होता है यहाँ पर कुंभ मेला में इस बार तो कितने लोग आए थे स्नान करने के लिए आप टी वी में देखेंगे सुनो कितने लोग आए थे इसलिए हर तरह से और वहाँ पर जाएंगे उसको पास बेड़ी माधव है नियम है बेड़ी माधव को दर्शन करके स्नान करनी चाहिए नहीं स्नान करके दर्शन करनी चाहिए यहाँ का अधिष्ठात्री देवता स्वयं प्रकट होते हैं बेड़ी माधव हाँ इसलिए हमारे बृहद भागवत अमृत में आता है नारद परीक्षा करने के लिए जा रहे कौन बड़े है वो पहले प्रयाग में स्नान करके वो साधु लोग आए बेड़ी माधव मंदिर में बैठी करके आपस आपस बात कर रहे थे एक में तो प्रयाग में स्नान माघ की महीना हाँ प्रयाग में स्नान तीनों नदी बेड़ी माधव जी का दर्शन है कितने सौभाग्य कितने भाग्य से इनकी ये काम मिलता है यही से नारद जी फिर यही से उन्होंने शुरू करते हैं भक्तों का कौन श्रेष्ठ भक्त यही से उन्होंने शुरू किया था और उसको पास में क्या दसवाश्वमेध घाट में कौन सा नाम से ब्रह्मचर्य वहाँ पर जहाँ पर महाप्रभु रूप गोस्वामी को जहाँ पर रूप शिक्षा बताए थे उसको पास में वो स्थान है इसलिए उस सब स्थान को हम दर्शन करेंगे अभी चलो महाप्रसाद करके फिर हम फिर दर्शन करने के लिए सो नाउ महाराज इज टेलिंग दैट वी आर कम टू दिस प्लेस प्रयाग प्रयाग होस्ट आफ्टर एवरी 12 इयर्स दैट इज वन वेरी बिग कुंभ मेला हियर Garuda, his mother Vinata, she had become maid servant of her co-wife Kadru.
So to rescue Vinata from that position of being maid servant of his Go-Eye, Garuda, he brought by force the pot of nectar from Indra. So Garuda, he placed this pot at four places, or some say that the four drops fell on the earth. So there are four, five places where this drop of nectar fell. One is Prayag, one is Ujjain, one is Nasik, like that, Brindavan. And Brindavan also in your Kaliyadaha, that particular Kadamba tree, one drop of nectar has fallen. So therefore, that tree was not affected by the poison of Kaliya. So here, a huge amount of sadhus, lakhs and lakhs of people used to, they come here in the month of Magh. So Bhagavatamrita also describes the importance of this place. There is one deity here called Veni Madhav deity. Veni Madhav. Veni means actually the confluence of three rivers. And on the bank of this confluence of three rivers, the deity is there called Veni Madhav. So this Veni Madhav deity, as explained in Bhagavatamritam, that Narad Muni came here and he saw so many devotees, they were worshipping Veni Madhav. And in the month of Magh, Magh is a very cold month, January month. Yeah, no one can bathe in the Ganga that time. But those who bathe in the Ganga in the month of Magh will surely get Krishna Bhakti. So Bhakti is open to everyone. Anyone can come, there is no restriction. Anyone can come, take a dip in Ganga in the month of Magh and you'll get Bhakti. But because it's very cold, not many people come. Understand? Bhakti is open to everyone. But people say it's difficult, so they don't do it. So anyways, Narad Muni told his sadhus, brahmanas, that you are the best recipient of Bhagavan's mercy. Then they told someone else and then he went somewhere else. But anyways, this wonderful deed is here. Mahaprabhu has instructed Rupa Goswami Pad here. So, if you want to study the essence of all Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Amrita, all the scriptures in this world, you simply study Rupa Shiksha. Rupa Shiksha is everything Mahaprabhu has given in that. So therefore, Srila Prabhupada has named this mat Sri Rupa Gaudiya Mat. We are followers of Rupa Goswami, Rupanuga Vaishnavas. So very fortunate we have come here. Hare Krishna. Gaur Brahmanande. You are now to take breakfast and go to take darshan, prasad.